करी है। हम सभा में जाने लायक ना, मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। मतलब आपको इज्जत बेइज्जती और शर्म का पता है। अरे पंचाली, उस दिन कहां गई थी आपकी इज्जत? किस दिन आपने मेरे बड़े भाई अपने जेठ श्री को अंधे का बेटा अंधा कहा था, उस दिन कहां गई? सुन मेरी बात, वो अंधे का अंधा था, वो अंधे का अंधा है और वो अंधे का अंधा ही रहेगा। तू तो अपना कितना ही जोर लगा ले, मैं न जाने की। अरे सुनिए मेरी बात, लेकर के जाऊंगा, चले लेने के लिए आया हूँ। हाँ। सुनिए, जब तेरा द्रुपद शर्म नहीं, पीड़ा कर ले दख ठंडा कर ले, मुंह जड़ जागा खाया कर ले, पीड़ा कर ले मुंह जड़ जागा खाया कर ले, कर ले नहीं। तेरी इन बातों से क्या मेरा द्रौपदी, इन बातों से मेरा द्रौपदी, जो हृदय होता नरम नहीं। बुरी तको सो यो छतरी का धर्म नहीं, तेरी मन हल्का रा मत जानती हूँ मैं तो, मन हल्का रा मत ना जाने, मन हल्का रा मत ना जाने, मत ना जाने पसाद कर जाऊंगी तेरे दुशासन, मकरा बने अनाज तेरे सदा में जाने लायक ना मेरी तू बर्बाद रे। पांचाली कोरल सभा में जाने के लिए, तभी तो ठुम कह रहे ठुमको को बचा कर कह रहे पांचाली ये ठुमको कोरल सभा में मारने हैं आपको। एक बात बता, उस दुर्योधन तेरे बड़े भाई को इतना भी नहीं पता कि राज्यसभा की औरतें राजमहलों में नहीं जाया करती? अरे पागल, तेरे को लेकर के भी जाएंगे। अच्छा। और वहाँ पे साज बाज पूरा बनाया हुआ है हमने, वहाँ पे क्या क्या गाएंगे? उड़ जा काले बता रही हो आप पांचाली। हाँ। आपके मन में ये होगा कि सारा कसूर जो भी होता है वो कौरवों का होता है, हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि आपके पांचों पतियों ने आपको दाव पे लगा लिया और हमने आपको जीत लिया। अब लेने के लिए आए हो तो आपको इज्जत के साथ भी चलना चाहिए और इस दुशासन को अपने देवर को भी इज्जत देनी चाहिए। एक बात बता, कितना दम है तुझमें? अरे दम तो बहुत है, दम की छोड़ दो तो एक काम कर, तू ले जाके ही दिखा। अरे दम तो इतना पांचाली, अगर इधर से उठा के फेंक दिया तो सीधा कोरो सभा में जाके पड़ेगी तू। दम की मत छो, ये दुशासन हो तुम दुशासन। हाँ। सुनिए मेरे बात, सुना दे। हेरो मारी अनाथी बतावे से, मारी अनाथी बतावे से, तन अपनी कथा बताई नहीं, मेरे जितनी और किसे में समाई नहीं, मेरे जितनी और किसे में देवर मिले समाई नहीं।
हर एक कुल में तेरे जैसी हर एक कुल में कोई बदजात लुगाई नहीं बेकाई दे तो बोल मत ना खाती तेरी कमाई हमारे जीज मित्र और 100 रुपए से पहले 200 रुपए से राकेश जी इस कमेटी के मेंबर भी हैं 200 रुपए से हमारा मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद और पांचाली बात बात में करती हो मेरे पांच पति पहले बात तो इतने घमंड की बात नहीं है कि आप पांच पांच पतियों की पत्नी है बिल्कुल है घमंड की अगर आप किसी योग्य होती तो आप एक ही पति की पत्नी होती सुनिए मेरी बात रही बात शायद बहुत ज्यादा घमंड है आपको अपने पांचों पतियों पे क्या घमंड करती है उन पे अरे जिसने अपने घर की इज्जत तक को दांव पे लगा दिया उन पांचों पतियों पे घमंड करती हो क्या घमंड करती सुन मेरी बात ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा कि मैं नार नहीं नारंगी हूँ नारंगी नहीं नौरंगी हूँ मैं चाहूँ तो ढकले पूरे कुल को ना पे नंगे के नंगे बिल्कुल सही कहा है किसी ने तीन हसीनाओं के लंबे लंबे इन हसीनाओं के लंबे लंबे काले काले बाल होते हैं और ये आशिकों के जी के जंजाल होते हैं चूस लेती हैं ये हम लोगों के खून को इसलिए देखिए इनके होठों के रंग लाल होते हैं ये नार ये नारंगी किसी की नहीं है सुनिए मेरी बात नचावेंगे तुम कौन नचाने वाले हो जब खुशवर लाज बताने कौन नचाने वाले हो जब खुशवर लाज बताने आज सभा में आए नंगी करके आज सभा में नंगी करके ये कौरव खेल खिलावेंगे वो सृष्टि के रचने वाले तेरे जैसे मुलजिम परी कौन दया करने वाला जब ईश्वर सब खिलाड़े पे काम जाने लायक ना मेरी क्यों Oh,
पहले करा धरा है उसका भुगतना अभी तक भुगता नहीं। और अभी आपको ये भी पता नहीं कि घर आए मेहमान की इज्जत किस प्रकार से की जाती है, आप धक्का मुक्की कर रहे हो एक मेहमान के साथ में। एक बात बताऊं, मेहमान भी देखा जाता है। अच्छा जी, हाँ फलीर मेहमानों में कोई कमी है? हाँ बिल्कुल है, हम अच्छे की पांडव अच्छे। एक बात बताऊं आपको, आपको ना तो शर्म ना हया ना कोई लाज, आपको शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। लगता है कि पांच साली की कर्ण सभा में ले जाके निकालनी ही पड़ेगी। तो है सही बोला था वो अंधे का अंधा, अंधे के अंधे तम हो गए। सुन मेरी बात, सुना दे। पांचाली ज्यादा बड़बड़ के मत बोलिए, नहीं तो नहीं तेरे सारे काट में मरोड़ देंगे। हाँ। और फेंक देना कौरवों के बीच में तो तेरा नींबू सानी जोड़ देंगे। ये दिख रहे ना सारे के सारे कौरव, कौन कौन मानता अपने आपके ऊपर हाथ खड़े करके दिखाइए जो तू मानते मैं कौरव। ये तो सबसे बड़ा कौरव यो है, यो कौरव नहीं धरतराष्ट्र है, कौरवों का बाप है यो। और कोई बात नहीं, आइए जी सुनिए मेरी बात। थोड़ी पसंद आए तो तालियों से आशीर्वाद बनाए।